नमस्कार दोस्तों, झारखंड राज्य का एकमात्र प्लान सिटी जमशेदपुर आज भारत के प्रगतिशील इंडस्ट्रियल सिटी में से एक है, जहां टाटा घराने की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे टिस्को, टाटा मोटर, टिस्कॉन, टीप्लेट इत्यादि। वहीं इसके अलावा भी और भी अलग अलग प्राइवेट कंपनियां की यहां कई सारी इंडस्ट्रीज है, और आज इस पूरे जमशेदपुर को बहुत ही शानदार तरीके से एक प्लान सिटी के रूप में विकसित कर रही है। बताया जाता है कि आज जमशेदपुर झारखंड का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला शहर है, जहां पे एक से एक शानदार टाउनशिप, एक से एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज और प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। वहीं आज के डेट में ना सिर्फ प्राइवेट कंपनियां बल्कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर को विकसित करने के लिए रिसेंट ईयर में कई सारे महत्वपूर्ण इनिशिएट लिए, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जमशेदपुर की जो पहली महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है मोनगो फ्लाईओवर। बताया जाता है कि काफी सालों से इस ब्रिज का डिमांड चल रहा था, फाइनली इस साल जुलाई में झारखंड गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी दी है। यह फ्लाईओवर मैंगो चौक से सुवर्णरेखा रिवर के ऊपर से होते हुए मरीन ड्राइव के गोल चक्कर तक बनाया जाना है, जिसके लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। एक बार यह ब्रिज बनने के बाद बताया जाता है कि यह पूरा एरिया एक बहुत ही शानदार तरीके से निकल कर आएगा, जहां पे टूरिज्म में भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन की बात करूं तो अगले 2 साल के अंदर इसे बनाकर पूरा किया जाना, जो आज की डेट में रिसर्च और स्टडी करने का काम चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि यह मोनगो फ्लाईओवर जो कि मोनगो चौक में बनाया जाना है वो कब तक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा सुवर्णरेखा रिवर पर एक केबल स्टे ब्रिज को भी बनाया जाना प्रस्तावित है, जो साथ ही साथ तैयार किया जाना है। ऐसे में देखते हैं कि कब तक बनकर। जमशेदपुर की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है दलभूमगढ़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। जमशेदपुर से 60 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है यह एयरपोर्ट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुवर दास द्वारा 24 जनवरी 2019 को इस एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी, जिसे महज 2 साल के अंदर इसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाना था, बट गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से यह काम आज भी अधूरा है। बट मैं आपको बताता चलूं कि अगर एयरपोर्ट बनती है तो तकरीबन 240 एकड़ में फैला होगा, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे न्यूज एजेंसी के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पे काम काफी स्लो हो रहा है, और अब अनुमान है कि अभी भी तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। ऐसे में देखना होगा कि यह दलभूमगढ़ एयरपोर्ट जो कि जमशेदपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर बनाया जा रहा है वो कब तक बनकर तैयार होता है। जमशेदपुर की तीसरी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है रायपुर जमशेदपुर एक्सप्रेसवे। NHAI द्वारा प्लान किया गया एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है, जो कि झारसुगदा और राउरकेला के रास्ते इससे बनाया जाना है। पूरा एक्सप्रेसवे 500 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि झारखंड के सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जाना है। इस एक्सप्रेसवे को पहली बार NHAI द्वारा रघुवर सरकार मुख्यमंत्री रहते प्लान किया गया था, जो आज यह पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। बताया जाता है कि यह एक्सप्रेसवे को इसीलिए प्लान किया गया था ताकि इसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित कर सके, बट यहाँ पे सरकार बदल गई, अब यह पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में देखना होगा कब तक इसकी नए अपडेट्स आते। वही नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जमशेदपुर मरीन ड्राइव रिनोवेशन प्रोजेक्ट। आज जमशेदपुर का मरीन ड्राइव एक टूरिज्म के रूप में काफी तेजी से विकसित हो रहा है। एक से एक इनिशिएट ले जा रहे हैं, एक से एक बहुत ही शानदार पार्क, कॉन्क्रीट चेयर, रोड, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीजों को सेटअप किया जा रहा है, और ये सभी के सभी इनिशिएट जमशेदपुर स्मार्ट सिटी के तहत ही लिए जा रहे हैं, जो आने वाले महज 2 से 4 सालों में ये जमशेदपुर का मरीन ड्राइव बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा NHAI द्वारा ही एक गोल्डन ट्रायंगल एक्सप्रेसवे को भी 2017 में प्लान किया गया था, जो झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर को बोकारो के रास्ते कनेक्ट किया जाना था। बताया जाता है कि यह पूरा एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में एक एसएस कंट्रोल हाईवे के रूप में प्लान किया गया था, बट आज के डेट में इस पर कोई भी तरह की अपडेट नहीं है, कोई भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट जो NHAI या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान की गई थी वो आने वाले समय में कब तक बनकर तैयार होगा। वहीं इसके अलावा भी जमशेदपुर में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं, जो कि मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।